दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेजी फॉर रियलिटी। दोस्तों 2015 में साउथ की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था ओ कथल कनमनी। उसका हिंदी रीमेक है ओके जानू, जिसे बनाया दिग्गज फिल्म मेकर मनी रत्नम के शिष्य शाद अली ने। हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, सिर्फ मेट्रो सिटीज में ये थोड़ा नजर आता है, क्योंकि वहां पर हर कोई अपने आप में बिजी होता है, किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो आस पड़ोस में कौन रह रहा है, किसके साथ रह रहा है वो देखे। तो दोस्तों लिव इन रिलेशनशिप में होता क्या है, लड़का लड़की एक साथ रहते हैं, दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों फाइनेंशियल रूप से इंडिपेंडेंट होते हैं, खर्चा आपस में शेयर करते हैं एक दूसरे से, किसी तरह का कोई कमिटमेंट या वादा नहीं करते, फिजिकल अट्रैक्शन ज्यादा होता है, प्यार कम होता है, इसलिए ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। दोस्तों इस फिल्म को लिखा है मनी रत्नम ने और दिखाने की कोशिश की है कि कोई भी रिश्ता हो अगर उसमें प्यार नहीं है तो वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता, और ये बात उन्होंने दो जोड़ियों के द्वारा दिखाई है। एक जोड़ी है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की, जो मॉडर्न युवा हैं, शादी को मूर्खता समझते हैं। दूसरी जोड़ी है नसीरुद्दीन शाह और उनकी बीबी लीला सैमसन की, दोनों बुजुर्ग हैं और शादी के 50 साल बाद भी उनके बीच बेहद प्यार है। आदित्य और श्रद्धा नसीरुद्दीन के घर पर ही पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हैं। दोनों जोड़ियों की तुलना की गई है और दिखाया गया है कि इंसान कितना भी आधुनिक हो जाए लेकिन प्यार कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। फिल्म की कहानी बहुत छोटी और सीधी है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, आसानी से पता चल जाएगा आपको कि आगे क्या होने वाला है। जब इस तरह की कहानी हो तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, पूरा जिम्मा प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करने लगता है, और इस जिम्मेदारी को शाद अली ने अच्छे से निभाया है। उन्होंने आदित्य और श्रद्धा के बीच अच्छे और ताजगी भरे रोमांटिक सीन प्रेजेंट किए हैं, जिनके बल पर फिल्म को इंटरवल तक उन्होंने आसानी से खींच दिया है। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी बिखरने लगती है, थोड़ी बोरियत महसूस होती है, वही रिपीट होने लगते हैं सीन, और कुछ सीन जबरदस्ती ठूसे हुए लगते हैं, पर बीच बीच में कुछ अच्छे सीन आकर फिल्म को संभाल लेते हैं। दोस्तों फिल्म के डायलॉग बढ़िया है, AR रहमान का म्यूजिक लाजवाब है, हम्मा अम्मा उन्हीं की बनाई हुई पुरानी धुन है जिसे उन्होंने फिल्म बॉम्बे के लिए बनाया था, उसी को रिमिक्स करके ओके जानू में डाल दिया गया है। गुलजार साहब के गीत अच्छे हैं, मुंबई की खूबसूरत लोकेशन दिखाई गई है, आदित्य और श्रद्धा के बीच सीन अच्छे लिखे गए हैं जो एंटरटेन करते हैं। शाद अली का निर्देशन अच्छा है, फिल्म की कहानी सीधी सपाट हो वहाँ निर्देशक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शाद अली ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है, बट फिल्म की लंबाई थोड़ी कम होनी चाहिए थी। आदित्य और श्रद्धा की जोड़ी अच्छी लगती है, दोनों ने एक्टिंग भी बढ़िया की है। नसीरुद्दीन शाह और लीला सैमसन बुजुर्ग दंपति के रोल में बहुत प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर फिल्म में कुछ नया नहीं है, लेकिन आप शाद अली के प्रेजेंटेशन की वजह से एक बार देख सकते हैं इसको। इस फिल्म के लिए रेटिंग रहेगी 2.5। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब क्रेजी फॉर रियलिटी।